गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कारण से पे मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है टेंथ ऑफ नवंबर 2020 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरवा आज धनतेरस है हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू सो प्राइस सेक्शन को देखने के लिए चार्ट में चलते हैं डॉलर इंडेक्स अभी है 105.85 यहां पे आपका एक सपोर्ट पहले का सपोर्ट लेवल दैट इज 105.5060 वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिस्टेंस लेगा लेकिन कल वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नहीं रेदर उस एरिया से ऊपर चला गया है ऊपर जाने के बाद अभी व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड क्या आज या आने वाले दिनों में सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड यहां पे रेजिस्टेंस लेता है रिस्पेक्ट करके फिर वापस नीचे आता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा डॉलर रुपी नथिंग न्यू साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है ऊपर में इनविजिबल नीचे बाइंग डिमांड्स अच्छा खासा है सो so, कुछ अभी कर नहीं सकते जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर में कल बाउंस बैक करने का प्रयास किया था लेकिन फेल हुआ एंड अच्छा खासा सेलिंग आ चुका है कल का जो कैंडल है अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल है यहाँ पे दो प्रोस्पेक्ट देखना है पहला ये बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड क्या इस बोलिंजर बैंड के सेंटर बैंड में सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद ऊपर जाता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा जीपीपीआईनर में सिमिलर एनालिसिस क्या ये बोलिंजर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा यूरोटलर 1.0673 ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है जितना जीबीपी डॉलर में डैमेज कर रहा है जीबीपी डॉलर में देखिए फ्रॉम द टॉप और रिसेंट स्विंग हाई वहां से कितना करेक्शंस हुआ है बट सभी अगर हम यूरो को कंपेयर करेंगे इतना ज्यादा डैमेज हुआ नहीं अभी भी यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है उसको रेस्पेक्ट करने का कोशिश कर रहा है क्या आने वाले दिनों में बाउंस बैक करेगा या नहीं वो हमें देखना है उसके लिए हमें ये देखना है डॉलर इंडेक्स क्या ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है इन सच ए केस जीबीपी डॉलर भी सपोर्ट लेके सेंटर बैंड में ऊपर की तरफ जाएगा यूरो डॉलर भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं यूरो आयन एफ यहाँ पर भी ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का, का काम कर रहा है यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है प्राइस एक्शन तो यहाँ पे ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है एक ही चीज है ये जो स्विंग हाई बनाया हुआ है इस स्विंग हाई के ऊपर फर्दर अपर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर यन डॉलर यन अभी है 151.25 स्पेशल थिंग यही है कि जो थर्टी अक्टूबर का मदर कैंडल था उसके अंदर में ही सेवन डेज हो चुका है आज एथ डे है तो ये एथ डे अभी क्या ये ऊपर साइड का लेवल को तोड़ेगा या

डैमेज कर दिया है 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 अभी क्या ये 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 लोअर लोअर एंड एंड में फिर फिर दोबारा दोबारा बोले तो एक आपका आपका दूसरा वाला है आ, थी, थी, फाइव। ये जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करता है या नहीं? ये हमें देखना पड़ेगा डॉलर डॉलर यहाँ पर भी एक साइड में पीबीएसई है जो उसको फर्दर डेट करने नहीं दे रहा है दूसरे साइड में चाइनीज इकोनॉमी जो अच्छा होने का नामो निशन नहीं ले रहा है नीचे से बाउंस बैक करने का प्रयास किया था लेकिन आज फिर दोबारा मॉर्निंग आवर्स में एशियन मार्केट में ये फर्दर नीचे की तरफ जा रहा है अभी इसके लो के नीचे किसका लो नवंबर दैट मीन्स कल के लो के नीचे फर्दर सेलिंग कंटिन्यू होने का हायर प्रोबेबिलिटी से यूएस टेन ईयर ट्रेजर ये यह यहाँ पे हमने क्रॉलिंग करके फर्दर नीचे के तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन कल आपका दोबारा ऊपर की तरफ चला गया दो रीजन है एक रीजन है आपका फेड चेयर का जो स्टेटमेंट है मीन्स मिन्स अजीब चीज है जब ये यूएस ट्रेजरी ऊपर जाता है तो बोलता है नहीं हम अभी सोच रहे रेट कट करने के लिए और जब ये नीचे आ जाता है मार्केट पॉजिटिव हो जाता है जाए होने के हो जाता है और और फर्दर पॉजिटिव होने का प्रेशर करते नहीं 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 अपना रेट हाई कभी भी पूरा नहीं हुआ यानी नेदर ये किसी को फर्दर नेगेटिव होने देते ना ही किसी को ये पॉजिटिव

एक तो आपका फेड चेयर का स्टेटमेंट था तो जहाँ पे उन्होंने हल्का सा इंडिकेशन दिया है कि नहीं इट इज नॉट सफिशिएंट तो आने वाले मींस टाइमों में शायद ये आपका रेट हाइक का पॉसिबिलिटीज है एक दूसरा वाला क्या है यूएस ट्रेजरी ने अपना बॉन्ड बेचने के लिए गए थे जहाँ पे उनका जो बॉन्ड सेलिंग था काफी हायर प्राइसेस में हुआ दैट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज अगेन जस्ट फियरिंग अबाउट Uh, means, uh, कब इतना जल्दी रेट कट होने वाला नहीं है ये दो रीजन के कारण एक उनका जो बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम था वो काफी हायर प्राइस में हुआ है द uh, ऑफ जिसको बोलते हैं वहां पे काफी कम थे वहां पे uh, जिसके कारण uh, वो जो बॉन्ड प्राइसिंग है काफी ज्यादा प्राइसिंग के साथ हायर इन मीन्स रेट उनको देना पड़ा जिसके कारण ये फर्दर ऊपर गया है ये तो हो गया है इन सब का फेड चेयर का कमेंट एंड बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम बाय द ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट ने अभी देखो वही है कि दोबारा एक ये एक जोन के अंदर में बैठ रहा है ये जो जोन है अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा ये जोन को ये कौन सा जोन है आपका थर्ड नवंबर का हाई एंड आपका ये ब्रेकआउट करते हैं ब्रेक है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा यूएस टूर ट्रेजरी यहाँ पे हमारा ये इंडिकेशन था कि यहाँ पे जो ये ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को

जो रिसेंट स्विंग हाई है प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है दैट मीन्स ये हायर हाई बन चुका है अभी मार्केट में फिर चॉपी बिहेवियर हम देख सकते हैं चॉपी बिहेवियर बोले तो मीन्स ये एक मीन्स मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड लाइन पे बिहेव करेंगे कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइप का एक बिहेवियर uh, करेगा जब तक नेक्स्ट न्यू ऑर्डर ये क्रिएट नहीं करता है क्या ऑर्डर प्राइस एक्शन का ऑर्डर सो so, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ्स लाइक कीजिए कमेंट कीजिए